हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 क्लियर करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस का। और चैप्टर 3 का नाम है, मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। चैप्टर 3 का नाम है हाइबर टू फैब्रिक। हाइबर टू फैब्रिक मतलब तंतु से वस्त्र तक। अब देखिए, फाइबर एंड फैब्रिक में हमें ये जानना जरूरी है फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है। फाइबर क्या होता है ये जान लेते हैं। वो पतले पतले फिलामेंट जिनसे हम फैब्रिक बनाते हैं, जिनसे हम क्लोथ्स बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। वो एकदम पतले पतले, एकदम छोटे छोटे पतले 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 फिलामेंट जिनसे हम क्या कहते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं, उन्हें यार्न कहते हैं। और फैब्रिक तो फाइबर्स के दो टाइप्स होते हैं। फाइबर्स नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल यानी नेचर से, यानी पेड़ पौधा एनिमल इन सबसे मिलता है तो उसे नेचुरल बोलते हैं, और जो हम सब बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर उसे सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन, वूल, जूट इटीसी। तो नेचुरल फाइबर सिंथेटिक फाइबर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर। फाइबर के पास टू टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो फाइबर नेचर से मिलता है, एनिमल और प्लांट से मिलता है, उसे नेचुरल फाइबर बोलते हैं। वो फाइबर जो हम सब बनाते हैं, मैन मेड होता है, उसे सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। कुछ प्लांट फाइबर्स, तो कुछ प्लांट फाइबर्स में से कॉटन को लेते हैं। अब देखिए, कॉटन को हम कॉटन प्लांट सीड को से प्राप्त करते हैं। कॉटन को हम कॉटन प्लांट के सीड कोट से फाइंड करते हैं। कॉटन जो होता है वो कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट के सीड कोट से मिलता है। कॉटन प्लांट के सीड कोट से मिलता है। अब देखिए, कॉटन के बारे में कुछ जान लेते हैं। कॉटन फील्ड्स में उगते हैं, कॉटन खेतों में उगते हैं। कॉटन को खेतों में उगाया जाता है। कॉटन को हिंदी में कपास बोलते हैं। कॉटन खेतों में उगाया जाता है और ये ब्लैक सॉइल और गर्म क्लाइमेट में उगते हैं। हॉट क्लाइमेट और ब्लैक सॉइल में उगते हैं क्या? कॉटन। कॉटन जो होता है वो ब्लैक सॉइल और हॉट क्लाइमेट में उगता है। ये जो है ब्लैक सॉइल और हॉट क्लाइमेट में उगता है जो कॉटन फाइबर है वो।
इसके लिए पहले ये खेतों में उगता है, जैसे देखिए ये फील्ड हो गया और इसके लिए ये ब्लैक सॉइल हो गया। ब्लैक सॉइल इनके सीड को ले जाकर और यहाँ पे फील्ड्स में क्यारियों में बो दिया जाता है। बोने के बाद ये जब एकदम बड़े होते हैं तब इनमें फ्रूट्स उगते हैं लेमन के आकार का। जब ये बड़े होते हैं तो वो कॉटन फाइबर जो होता है उसके प्लांट में लेमन के आकार का एक फ्रूट उग जाता है। लेमन के आकार का एक फ्रूट उग जाता है और ये फ्रूट देखिए, इस फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं, इस फ्रूट को हम कॉटन बॉल बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, कॉटन बॉल्स। ये लेमन के आकार के फ्रूट्स को कॉटन बॉल्स बोलते हैं। और जब ये फटते हैं ना तब इससे फाइबर बाहर आने लगते हैं। देखिए पर ये फटते हैं तो ऐसे फाइबर बाहर नहीं आते हैं, फटने के बाद इनके ये जो फाइबर्स होते हैं वो ऐसे इसी पे इनके सेपल पे ही जमे रहते हैं। दिखा ऐसे। अब देखिए ये फटते हैं तो इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, कॉटन सीड्स होते हैं। अब इन सीड्स को कैसे निकाला जाए, तो अब इन सीड्स को निकालने के लिए प्रोसेस होता है जिसे जिनिंग कहते हैं। जिनिंग एक बहुत बड़ा सा ब्रश ले लिया जाता है या फिर कंघी ले लिया जाता है बहुत बड़ा सा, और इस कॉटन फाइबर को यहाँ पे रख के उसके बाद इसको ऐसे ऐसे मल के सीड को कॉटन से सेपरेट किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। गिनिंग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। अब देखिए गिनिंग के बाद क्या होता है, अगर आप किसी फाइबर को यार्न बनाइएगा ही नहीं, धागा बनाइएगा ही नहीं, तो कपड़ा कैसे बनेगा। तो पहले अब फाइबर तो तैयार हो गया, अब धागा मतलब यार्न बनाने की बारी है। तो यार्न कैसे बनता है, देखिए जो फाइबर होता है, फाइबर से यार्न के प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्पिनिंग। अब स्पिनिंग कैसे होता है, देखिए एक जैसे सुई के जैसे एक ऐसे इस आकार का हम लोग उसे तकली बोलते हैं, तो उसी में फाइबर को लपेट दिया जाता है, फिर ऐसे 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 करके उससे यार्न बनाया जाता है तकली। देखिए दिखा, इसी शेप का होता है तकली, इसी शेप का होता है, इसे कहते हैं तकली, जिसमें फाइबर्स को लपेट दिया जाता है, ऐसे फाइबर्स को लपेट दिया जाता है, फिर इधर से ऐसे ऐसे हाथ से करने पर यार्न निकलने लगता है। तकली हो गया। अब दो और एक और इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग स्पिनिंग करते हैं, उसे चरखा बोलते हैं। चरखा, चरखा का यूज गांधी जी ने किया था। देखिए चरखा ऐसे गोल गोल का होता है ऐसे, अब आप इसे घुमाते जाइएगा और ये इधर से थ्रेड बनाते जाएगा फाइबर से। तो मतलब फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिनिंग। अब
सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर थ्री खत्म कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। सो बाय बाय।